आयोजन भी देवीलाल की तरफ से घोषणा हुई है कि विद्यालय प्रांगण की काम उनकी तरफ से करवाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद देवचंद जी के सुपुत्र यहाँ बैठे हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने विद्यालय की साफ सफाई के लिए बांध का आह्वान किया है। अभी कौन से कार्य में काम में लेने हैं? कार भी नहीं है, छोटे बच्चे जो पहली क्लास के हैं वो भी कॉपी को पढ़ेंगे नहीं, अपना नाम लिखेंगे और स्कूल का कार्य करेंगे। उससे आज इनाम में कोई बच्चा वंचित नहीं रहे, जो प्रोग्राम में था जिनका नाम नहीं बोला है वो भी बाद में सभी जो प्रोग्राम में भाग लिए हैं जो सभी सरकार की तरफ से हैं जो भी प्रोग्राम में भाग लिया है सभी बच्चों बच्चे आ गए तुम भी आ जाओ, जो भी बच्चे प्रोग्राम में भाग लिया सभी आ जाए, जितने भी बच्चों ने प्रोग्राम में भाग लिया है सभी, और जो बच्चे हैं याद सुन करते हैं उनको ड्रेस मिल चुकी है दो, जिस गार्जियन ने नहीं सुनवाई है वो सुनवा दे, प्रत्येक बच्चे के दो दो ड्रेस होनी जरूरी है, कुछ बच्चों ने नहीं सुनवाई है एक सुनवा दी है घर पर रखी है दोनों ड्रेस सुनवाए, क्योंकि जिस दिन मैली होती है तो वो दूसरा ड्रेस पहन सकता है, और जितना संभव हो सके जूते मिलवाए जुड़वाए उनको काले जूते पेल आपको जूते जूते मिलाने हैं, ड्रेस स्कूल से मिली है चाहे ये ड्रेस सरकार की तरफ से मिली है चाहे ड्रेस हम अपनी तरफ से ड्रेस बुला रहे हैं, तो जूते मिलते हैं अभी मैं उस गुरु से यहाँ राजगढ़ के आरपी के रूप में ट्रेनिंग दे रहा था मैं टीचर्स को, उसमें लगभग हमारे जो अधिकारीगण है ऊपर से आए और जो अन्य एनजीओ के सदस्यगण भी आए थे, उन्होंने कहा कि जो विद्यालय सरकारी विद्यालय में जो पढ़ने बच्चे जा रहे हैं सर्वे के अनुसार वही बच्चे ज्यादा आगे निकल रहे हैं। सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, कंपटीशन में वो ही आगे निकल रहे हैं, क्योंकि उनका भी उद्देश्य यही था कि मनुष्य बनाए, मानवता जरूरी है, स्वार्थ से दूर होकर के मानव, क्योंकि ये शरीर है ये बहुत ही उपकार के रूप में भगवान ने हमें दिया है, इस शरीर को हमारे समाज देश गांव परिवार के लिए हम इस शरीर को लगाए कुछ दें, क्योंकि ये शरीर है ये कोई ये नहीं मांग के चले कि ये हमेशा हमेशा रहेगा, नशीर है जो इस दुनिया में कुछ भी हम देख रहे हैं सभी नशीर है नष्ट होने वाली है, जितना सुंदर है उससे हम काम में ले सकते हैं परिश्रम कर सकते हैं और अपना नाम गांव का नाम देश का नाम रोशन कर सकते हैं, इसलिए परिश्रम करते रहे हैं कर्म करते रहे हैं और अपने देश के लिए कुछ करें। एक मिनट
अभिभावक ध्यान दें, जो माता पिता बच्चों के आए हैं वो ध्यान दें। अब बताओ, यदि मेरे विचार गलत लगे तो बता देना। अपन प्राइवेट और सरकारी स्कूल की तुलना कहाँ से तो पढ़ाई में कितनी देर से आपका बच्चा धूप में बैठा है। जिस दिन प्राइवेट में भेजोगा ना, जिस दिन से कठिनों में ला के करो, पूरी फीस की अपन व्यवस्था कर देवा और साल भर का 1,500 रुपए दे के अपन सारा मिल के और बच्चा के लिए देखो ना, तो छाया कर सका ना कोई बच्चा ने। अपन आपने स्कूल में आ रहे हैं बच्चा, ड्रेस दे दी गई वो भी व्यवस्थित नहीं है, टाँका टूट गया, टाँका नहीं लगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अकेला शिक्षकों पर मत छोड़ो, बच्चों को जैसा आप स्कूल में भेजोगे उस आधार पर बच्चे तैयार होंगे। घर पे जाके बच्चे अब लगे दूसरे माली बात देर से हो रही है, ठीक है क्या कर सका थे, जिसे भेजोगा विजय अपना लेना बेटा, ठीक है बच्चा हमारा भी है। बाकी परिवर्तन यदि चाहो ना तो खुद परिवर्तन करो, घर बच्चों को पढ़ाओ और ग्रेकर दो मिनट और बैठो, बस 5 मिनट लगेंगे अधिकतम, 5 मिनट सब बच्चों को उबार देंगे फिर सभी ले जाना, और सभी बच्चे भी जो गांव से आए हैं सभी बच्चे लंबे लेके जाए। लंबे लेते जाए बच्चे और इधर से भी लेते जाए। आराम से लाइन बैठ जाओ, जिसमें ले जाओ और आगे निकलते जाए। रखो नहीं उधर अंदर ध्यान, बैठ जाओ ले लिए जगह, बैठ जाओ। एक जी उधर वो दी हो तो नहीं तो।
कि जो ये ड्रेस है लेकिन ना ये ड्रेस खुद भी सिली स्कूल में, ये जो स्कूल की ड्रेस है तो कपड़ा या स्कूल से इनको उपलब्ध कराया था, कुछ खुद से लेके आए हैं, कुछ मैडम ने दिए हैं, कैसे करके ये जितने ड्रेसेज हैं ये स्कूल की यहीं पे स्कूल में तैयार की गई हैं, तो हर बार प्रोग्राम में बच्चों के लिए काम में आएंगी, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य था इनका। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ ग्रामवासियों द्वारा सहयोग राशि विद्यालय को प्राप्त हुई है, उनका मैं नाम दर्शन करना चाहूंगा। शोर पे श्री बुद्धराम घोसला, जोरदार तालियां बजाते रहे बच्चे। शोर पे रामनिवास मिस्त्री, पांच सौ रुपये श्री ब्रह्मानंद घोसला, तालियां बजते रहे। शोर पे देवगन बेनीवाल, शोर पे रामचंद्र प्रजापत, पांच सौ रुपये कृष्ण श्रीरंग, तालियां बजते रहे। दो सौ रुपये प्रणाम प्रजापत, शोर पे निहाल सिंह गोस्वामी, शोर पे सूरज बान, शोर पे देवेंद्र मिस्त्री, पांच सौ रुपये श्री रामकिशन जी प्रजापत, जो संयुक्त प्रकार से है, संयुक्त के भाई है, तो उनके लिए जोरदार तालियां। शोर पे श्री जवाहरराम जी ने विद्यालय को वोट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बलदेव जी शोर पे, और सबसे बड़ी बात होती है 1100 रुपये संतोष भाई के द्वारा, जो शहीद की बेटी है, विद्यालय को भेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए भी। सबसे बड़ा उपकार होता है देश के लिए प्राणों का नछावर करना, तो इनके पापा ने देश के लिए अपनी आन बान कुर्बान कर दी, और जो अमर हैं अमर रहेंगे, और जिनके नाम से ही विद्यालय का नाम है शहीद भगवान सिंह के, तो हमारे हृदय में हमेशा इनका आदर सम्मान रहेगा। जिन्होंने और भी अन्य शहीदों ने जो हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उन सभी शहीदों को एक बार हम फिर नमन करते हैं। वंदे 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 वंदे, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी होते हैं, जो इन्होंने ही महापुरुषों को याद करते हैं, इन्हीं की सौभाग्य से हमें ये जो आज़ादी मिली है, इनको हम सजा कर रखें और आगे बढ़ाते रहें। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 26 जनवरी, इन दिनों में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को विद्यालय में जो भेज रहे हैं, वो गार्जियंस और अन्य गार्जियंस की जो बच्चे बड़े हो गए, ये जो जन सहयोग प्राप्त होता है, ये हम इन बच्चों पे खर्च करते हैं। इन बच्चों को ये पीछे कुछ ड्रेसेज, थोड़ी ड्रेसेज है, कुछ इनाम की राशि है, इस प्रकार से जितनी भी ग्रामवासियों द्वारा राशि विद्यालय को प्राप्त होती है, तो आपके ही इन नन्हे मुन्ने बच्चों पे ही खर्च की जाती है। आज के इनाम की राशि बात करिए तो 2100 रुपये की कॉपी कॉपी है, 30 रुपये की कॉपी आती है, 72 कॉपियाँ 2100 रुपये की भी अकेली कॉपी है, और पेन ट्रॉफी पेंसिल वो अलग ले जाती है,
आपका सहयोग है वो एक एक रुपया इन बच्चों पे खर्च होता है। तो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ,